सो वेलकम स्टूडेंट, क्लास 11th चैप्टर अपना मोशन इन लाइन काइनेमेटिक्स। तो आज जो क्लास होगी उस अपनी, ठीक है, वैसे तो बिल्कुल सिंपल क्लासेस है, नॉर्मल चीज़ें बेसिक, लेकिन बेसिक चीज़ तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक अपने जो पीछे वाले जो लेक्चर है इंटीग्रल कैलकुलस के हैं, ठीक है, जिसके अंदर अपने को इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन पता चलेगा कि अपन ने करना क्या है, कि यहाँ पे जो अप्लाई करेंगे जो फॉर्मूलाज वो कहाँ से आए हैं। तो आप पीछे वाले जो यू शुड प्लीज़ विजिट द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है। तो देखो, तो पहले अपने देखो दिक्कत क्या आती थी पहले, कि जब अपन बात कर रहे थे कि एस की वैल्यू अगर अपने को देखे, ठीक है, कोई भी वैल्यू टी स्क्वायर, वी की वैल्यू पूछ रहा था, तो अपन डिफ्रेंशिएशन के थ्रू डी एस ओवर डी टी करके 2t वेलोसिटी की वैल्यू निकाल लेते, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही थी कि जब क्या है वेलोसिटी की वैल्यू देके अपने को डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछा था, ऐसे यहाँ पे अपने डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछ रहा था, तब अपन ने क्या किया था, डिफ्रेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस लगाई थी जिसको नाम दिया था इंटीग्रेशन, ठीक है। उस इंटीग्रेशन में क्या होता था कि अगर एस है वो क्या है डी वी ओवर डी टी है, क्या है जो वी अपना वो क्या होता है डी एस ओवर डी टी होता है, ठीक है। अगर इसको इस फॉर्म में लिखा जाए कि डी एस वी डॉट डी टी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, और इसके दोनों तरफ क्या लगाया जाए, इंटीग्रेशन का साइन लगाया जाए, इंटीग्रेशन का साइन लगाया जाए, और इनका क्या किया जाए, इंटीग्रेशन किया जाए। ये देखो प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन समझ के आओ पहले पीछे वाले लेक्चर में, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो डी एस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स फॉर्मूला था, क्या देता था, एक्स देता था। तो यहाँ पे डी एस है तो ये क्या देगा, एस देगा, ठीक है। यहाँ पे वी, ठीक है, वी था, वी की वैल्यू कितनी है अपने पास, टी प्लस वन डॉट डी टी, ठीक है, वी की वैल्यू रखेंगे, एस तो अपने पास आ गया। अब एस की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, टी प्लस वन के इंटीग्रेशन के थ्रू निकलेगी। इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला याद करो, बुक के अंदर है, ठीक है। अब देखो एस एल्जेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में देखा था कि दो टर्म अगर दो फंक्शन है वो प्लस के अंदर हो तो उनका क्या होगा, इंडिविजुअल इंटीग्रेशन होगा, टी का अलग इंटीग्रेशन होगा, एक का अलग इंटीग्रेशन होगा, कैसे, टी डॉट डी टी प्लस वन डॉट डी टी, ठीक है। अब ये है, देखो क्या होगा कि एस टी डी टी यानी किसी फंक्शन का एक्स की पावर एक है तो उसका एक्स की पावर एन का क्या होता था, इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, वैसे यहाँ पे टी है, टी की पावर क्या है, एक है, टी की पावर एक वन प्लस वन ओवर वन प्लस वन, टी की पावर एक एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन से, प्लस डी टी का क्या होता है, डी टी का डी एक्स का एक्स होता है, वैसे इसका क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, क्या या टी, टी स्क्वेयर बाई टू प्लस टी, ये किसका फंक्शन आ गया, एस का फंक्शन आ गया। यहाँ पे एस के फंक्शन से वी का फंक्शन निकाला था, एस का फंक्शन ये था, वी का फंक्शन ये था, एस के थ्रू वी का फंक्शन निकाला था डिफ्रेंशिएशन से। अब वी से एस का, वी का फंक्शन ये है, इससे एस का फंक्शन निकाला है किसके थ्रू, इंटीग्रेशन से, रिवर्स प्रोसेस लगाया है, ठीक है, आगे समझ में, एस का फंक्शन निकल रहा है, ठीक है। अब देखो ऐसे ही इंटीग्रेशन होगा किसका, एक्सीलरेशन की, देखो ये तो अपने पास था वेलोसिटी देके डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा, अब अगर अपने को क्या दे, एक्सीलरेशन की वैल्यू दे, अगर एक्सीलरेशन इज 3t² या एक आप खुद करना टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, दूसरा क्वेश्चन है, तब अपने को क्या पूछे, वेलोसिटी पूछे कि वेलोसिटी बताओ कितनी होगी, ठीक है, पूछेगा कितनी होगी, तो a इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी ओवर डी टी, डी वी ए डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन,
इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है, दोनों तरफ क्या की जा सकती है, इक्वल के दोनों साइड इंटीग्रेशन प्रोसेस लगाई जा सकती है। ठीक है, अब देखो ये क्या देगा, dx के थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या देता है x, ये क्या देगा v, ये क्या देगा a, a की वैल्यू कितनी है 3t square dot dt, जो 3 अपना वो क्या है एक कॉन्स्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, किसका होगा टी स्क्वायर का, अब टी एक्स की पावर n क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 कितना आएगा 3 डॉट टी की पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, क्या होगा क्रॉस आउट, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी टी क्यूब, किसका फंक्शन आ गया v का, अब v का ये फंक्शन आ गया क्या, v की वैल्यू टी क्यूब 3t स्क्वायर, आगे समझो एक्सीलरेशन का फंक्शन था ये, v का फंक्शन क्या होगा टी क्यूब, किसके थ्रू इंटीग्रेशन के थ्रू, अब t की वैल्यू रख के v की वैल्यू निकाल सकते हैं, अलग अलग t की वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं अपन, अलग अलग v की वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे अगर पूछे t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होगी, तो t बराबर 2 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया एक पॉइंट की बात, अगर बोले कि एक कोई ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से ज़्यादा था, तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करो 0 से 2 सेकंड के बीच में, अब 0 से 2 सेकंड के बीच में करेगा तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, टाइम की लिमिट लगाई है, 0 से 2 सेकंड है टाइम की लिमिट है, तो टाइम की लिमिट यहाँ पे लगेगी, यहाँ पे लगेगी टाइम की लिमिट। अब देखो एक चीज़ और कि जिस इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होती उसको बोलते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, जिस इंटीग्रेशन में लिमिट नहीं होती सीधा फंक्शन आता है उसको बोलते हैं इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, और जिसके अंदर अपने को लिमिट दे दी जाए, दो पॉइंट दे दिए जाए ओरिजिन और एंड, उसके अंदर क्या होगा लिमिट लगेगी और उसको बोलेंगे डिफाइनाइट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, क्या यहाँ टी की पावर 3 यहाँ से 3 से 3 नीचे क्रॉस आउट हो जाएगा, ये क्रॉस आउट। ठीक है, अब इस टी की पावर 3 पे क्या लगेगी, लिमिट लगेगी कि इसकी 0 to 2, तो सबसे पहले क्या होगा ऊपर वाली लिमिट पर पुट करेंगे, तो टी के अंदर क्या रखेंगे 2, तो 2 की क्यूब माइनस 0 की क्यूब लिमिट रखी जाती है, अपर लिमिट इन द फंक्शन माइनस लोअर लिमिट इन द फंक्शन, यहाँ से क्या आएगी 8, ऐसे 1 से 2 सेकंड, 2 से 3 सेकंड, ऐसे क्या कर सकते हैं अपन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आप खुद करना एक बार अप्लाई करके देखो, एक बार क्वेश्चन करके देखना। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना आगे वाला, डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, डिराइवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड आउट करनी है, डिराइव करनी है, कैसे करोगे पहले तो लिखो कौन कौन सी होती है, फर्स्ट क्या होती है वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड लास्ट वन इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे टर्म देख लो कौन सी टर्म किसको बता दी है, v बता दी है फाइनल वेलोसिटी, u बता दी है इनिशियल वेलोसिटी, t बता रहा है टाइम। ठीक है, s है अपना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और क्या देगा a एक्सीलरेशन, ये 5 टर्म है। अब एक चीज देखो यहाँ पे जो s है, यहाँ पे जो s है ये वाला s, इसको अपन हर टर्म में डिस्प्लेसमेंट प्रूव कर रहे हैं, डिस्टेंस नहीं बोल रहे, हर जगह क्या बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्यों होता है, डिस्टेंस क्यों नहीं होता, इसका अपन एक अलग वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर अपन बताएंगे कि ये s डिस्प्लेसमेंट ही होता है ना कि डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसका जब तक अपने सारे हो जाएंगे ना तब अपन एक लास्ट में एक वीडियो लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर अपन प्रूव करेंगे कि ये क्या है डिस्प्लेसमेंट है ना कि डिस्टेंस। अब देखो पहली अपने को प्रूव करनी है, तो पहले प्रूव करने के लिए a इज इक्वल टू k
क्या होता है, डी वी ओवर डी टी। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले यू स्पीड से जा रहा था, ठीक है, फिर उसमें एक्सीलरेशन ए प्रोड्यूस हुआ तो उसकी स्पीड यू से बढ़ के वी हो गई, एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ ए, यू से स्पीड क्या हो गई वी। कितने टाइम में, मान लो टी यहाँ पे था जीरो और यहाँ पे टी इक्वल टू टी टाइम, कोई भी टी टाइम, टाइम हो गया आगे टी टाइम तक मान लेते हैं, ठीक है, तब ए क्या होगा, डी वी ए डॉट डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, इंटीग्रेशन करना है, इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन देखो, ये क्या है डी वी, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी टर्म, वेलोसिटी की टर्म की होती है ना कि इसकी वी की होती है, यहाँ पे वी शो कर रहा है वेलोसिटी, ना फाइनल ना इनिशियल, ये बता रहा है वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो रहा है, फाइनल इनिशियल नहीं बता रहा, ठीक है, ये नहीं कह रहा इस फंक्शन का हो रहा है, वी बता रहा है अपने को पूरी वेलोसिटी का, ठीक है, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो रहा है, वेलोसिटी ए भी है वेलोसिटी वो भी है। अब वेलोसिटी का इंटीग्रेशन हो रहा है तो लिमिट क्या लगेगी, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन करना है अपने को तो लिमिट क्या लगेगी, सबसे पहले टी बराबर जीरो पे वेलोसिटी कितनी थी यू, बढ़ गई कितनी हो गई वी, तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक गई है, यू से वी गई है, एक्सीलरेशन डॉट डी टी, अब टी क्या है, अब यहाँ पे देखो ए डॉट डी टी, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन किसका होगा, एक्सीलरेशन का होगा या टाइम का होगा, तो देखो अपनी जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यानी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं होता, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है ये पहले बताया हुआ है, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, तो एक है अपना यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, यानी इसकी कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही एक्सीलरेशन की, ये कॉन्स्टेंट दे रहा है, ठीक है, क्यों होगा, अब इसका एक रीजन भी आएगा आगे, तो ये लिमिट किसकी लगेगी इसके अंदर, टाइम की, यानी इंटीग्रेशन किसका होगा, टाइम का होगा, ए रखेंगे बार, टाइम की वैल्यू जीरो से टी टाइम तक जा रहा है, क्या करोगे, डी वी का क्या आएगा वी, लिमिट यू से वी, यहाँ पे ए क्या आया टी, जीरो से टी टाइम, फॉर्मूले याद होंगे इंटीग्रेशन के, यहाँ पे रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वी माइनस यू, यहाँ पे ए डॉट टी माइनस जीरो, यानी वी माइनस यू इजिकल टू ए टी, क्या बना, वी इजिकल टू यू प्लस ए टी, ये अपनी क्या आ गई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, किसके थ्रू, सिंपल इंटीग्रेशन के थ्रू, ठीक है, वेरी गुड। सेकंड निकालो, अपने को कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं करना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, सिर्फ अपने को क्या करनी है, एक टर्म याद रखनी है एक्सीलरेशन की। सेकंड देखो, v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी, सेम कॉन्सेप्ट लगाओ, ऑब्जेक्ट है, u स्पीड है, u से बढ़ के v हो गई, किस वजह से, इसमें a एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर दिया, उस वजह से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मान लो जीरो था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आके मान लो s हो गया, कोई भी वेरिएबल लेते हैं s, इसी तरह टाइम जीरो था, यहाँ पे आके टाइम t टाइम पे क्या हो गया, उसका डिस्प्लेसमेंट s हो गया। अब देखो वापस इसका क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों साइड इंटीग्रेशन, तो ds एस इजिकल टू वी डॉट डी टी, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ds की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, डिस्प्लेसमेंट की, जीरो से s तक जा रही है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट है मूव कर रहा था, ठीक है, मूव कर रहा था तो उसकी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी थी यू, यू से बढ़ के वी हो गई, शुरू में उसमें डिस्प्लेसमेंट था जीरो, उसने वी बढ़ने तक s डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, टाइम लगा t सेकंड, पहले जीरो से t सेकंड तक उसने s डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, उसकी वेलोसिटी होगी u से v, आगे समझो, अब जीरो से s डॉट v dt, v की कहाँ तक जाएगी, देखो v की वैल्यू u से v, ठीक है, या v की पहले क्या करो, वैल्यू रखो कौन सी वाली, फर्स्ट इक्वेशन वाली, अपने पास क्या था v डॉट डी टी, v के अंदर वैल्यू रखो, v की वैल्यू कितनी है फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू रखो किसकी, v की, तो v की वैल्यू रखोगे तो u प्लस
at.dt। अब देखो इसका इंडिविजुअल करोगे, इसका अलग यानी u.dt प्लस at.dt दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन। अब देखो इसकी लिमिट तो s तक गई, 0 से s तक। ये क्या था, अब इसमें एक तो टर्म है u इनिशियल वेलोसिटी, एक टर्म है अपनी t dt टाइम की। अब देखो शुरू में इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, एक कांस्टेंट थी। शुरू में इनिशियल वेलोसिटी क्या माने थे, एक कांस्टेंट माने थे। इनिशियल वेलोसिटी का क्या किया आपने, ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया कहाँ तक, यू से वी होने तक। लेकिन यू तो शुरू में क्या थी, कांस्टेंट थी अपनी। यू से बाद यू से बढ़कर तो क्या होती जा रही है, वी जा रही है ना। यू से बढ़ते हुए फंक्शन बन रहा है, यू से वी तक जाने में फंक्शन अलग अलग चेंज होता जा रहा है। लेकिन शुरू में जब यू थी वो तो क्या थी अपनी, कांस्टेंट थी। तो यू क्या होगा, एक कांस्टेंट। टर्म किसकी लेंगे, डीटी की। इनिशियल वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट इन द फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, इनिशियल पोजीशन। तो यहाँ पे u क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। u से v जा रहा है तो फंक्शन बन रहे हैं, वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। u तो शुरू में कांस्टेंट था ना, u और v तो क्या है, कांस्टेंट है। अब देखो बीच में u से v तक जाना एक फंक्शन है, लेकिन u क्या है, एक शुरू में कांस्टेंट है। तो इसमें लिमिट क्या लगेगी, u तो आ जाएगा बाहर, डॉट t की लिमिट कहाँ से लगेगी, 0 से t तक। यहाँ पे भी क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या है, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। तो एक्सीलरेशन बाद वापस क्या, टी डॉट डी टी, इसकी भी लिमिट 0 टू टी। इसकी करोगे तो एस 0 एस यू डॉट टी 0 टू टी प्लस ए, इसका क्या हो जाएगा, एक्स की पावर एन से करो, टी की कितना आ जाएगा, टी की पावर 2 बाई 2 0 टू टी। आगे समझो करोगे इसकी कितनी आ जाएगी, s 0 से अलग हो गया, इसकी ut माइनस 0 अलग, प्लस इसका कितना आ जाएगा, t लिखोगे तो कितना आएगा, t स्क्वायर कितना आएगा, t है t के अंदर क्या रखोगे, t रखना है तो वापस क्या आ जाएगी, t स्क्वायर यानी हाफ a डॉट t स्क्वायर, 0 वाली टर्म अलग हो जाएगी, कुछ बचेगा नहीं। तो ये अपनी क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। आ गई या नहीं आ गई, देखो आ रही या नहीं आ रही, ठीक है पता चल गया, सिंपल डिस्क्राइब करना है अपने को, ठीक है। आगे देखो अब इसका कंक्लूजन लास्ट में निकलेगा, अपने अभी करते जाओ, क्योंकि अपने को फॉर्मूले याद रखने, पहली बात अगर इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद नहीं है, पीछे वाले लेक्चर नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ वो जाके विजिट करके आओ एक बार, ठीक है, तभी अपने को आएगा, वरना ये बोरिंग और क्या लगेगा, अप्रोप्रिएट लगेगा, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पहले आप वो करके आओ, ठीक है। अब देखो लास्ट वी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, डी वी ओवर डी टी। इस टर्म के अंदर मल्टीप्लाई करो ds का ऊपर नीचे, ds का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, ds का दोनों को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, टर्म्स को शफल करो। इस टर्म को शफल करेंगे तो क्या आएगा, dv ओवर ds, इसको करेंगे तो ds ओवर dt, टर्म शफल कर दी, ठीक है, ये इस तरह जाएगा। अब dv ओवर ds ये क्या होता है, ds ओवर dt, v इज इक्वल टू डी एस ओवर डी टी होता है क्या, ये वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे किसकी वैल्यू आ गई, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई, वापस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इंटीग्रेशन। तो a डॉट डी एस v डी वी इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, एक्सीलरेशन अपना बार, ठीक है। अब देखो वही वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, u से v तक, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से जाएगा, 0 से s तक। तो इसका कितना आएगा, a डॉट कितना या s 0 टू s, यहाँ पे v की, v का क्या होगा, v स्क्वायर बाई 2 होगा या नहीं होगा, एक्सीलरेशन का वेलोसिटी का
वी स्क्वायर बाई टू आएगा या नहीं आएगा, इसका वी डी वी है, ठीक है। एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, एक्स की पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन, तो यहाँ पे वी की पावर एक है तो वी की पावर एक प्लस एक दो, और नीचे भी क्या आ जाएगा एक प्लस एक दो, ये सेम टर्म है देखो। तो अब क्या होगा, वी स्क्वायर बाई टू लिमिट यू से वी U से कितनी गई, V गई। इस टाइम को देखो यहाँ पे A S टर्म रखेंगे, लिमिट रखेंगे, S का S जीरो का अलग हो जाएगा। अब लिमिट रखो V स्क्वायर बाई टू, तो V रखेंगे पहले लिमिट, तो V स्क्वायर बाई टू माइनस लोअर लिमिट क्या है U, तो V की जगह क्या रखेंगे U, तो U स्क्वायर बाई टू आएगा या नहीं आएगा। v का मतलब है v एक वेलोसिटी है। अब ये तो फंक्शन है और ये वैल्यू है, हालांकि दिख रही एक जैसे नहीं, ये भी v है और ये भी v है, लेकिन ये एक फंक्शन है। ये क्या है, उसकी लिमिट एक वैल्यू है, तो ठीक है। तो ये लिमिट अपने को इस फंक्शन में रखनी है, v के अंदर एक बार v रखना है और एक बार u रखना है। तो अब यहाँ पे देखो ए एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ओवर टू, क्या लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस, या वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये क्या आ गई अपनी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अब देखो कंक्लूजन क्या होता है, आ गई ना तीनों। अब देखो अपने तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी है, ये इन तीनों को फाइंड आउट करने में अपन ने टर्म कौन सी यूज किया, सबसे पहले ए इजिकल टू डी वी ओवर डी टी, सेकेंड में वी इजिकल टू डी एस ओवर डी टी, थर्ड वन एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वी डॉट डी वी ओवर डी एस। तीन बार ये यूज़ की थी अपन ने। अब देखो अपन एक टर्म ले लेते कि एक्सीलरेशन इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड या बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। देखो अगर पूछे इक्वेशन ऑफ मोशन बताओ, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन, तो क्या बताओगे, ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं होती, ये पूरा एक रॉन्ग वे। अगर बताते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन है तो ये गलत है। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है, ये तीन होती है। इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती है, ये तीन होती है। ये तीन भी होती है लेकिन कब होती है, सिर्फ एक केस में होती है, जब बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हो। जब बॉडी क्या हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड माने, अगर अपन एक्सीलरेशन को यूनिफॉर्म नहीं मानते तो ये आती क्या, नहीं आती, क्योंकि एक्सीलरेशन की कोई ना कोई लिमिट लगती, एक्सीलरेशन की कोई ना कोई लिमिट लगती, एक्सीलरेशन चेंज होता है, यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक्सीलरेशन के यूनिफॉर्म होने का मतलब ये है कि एक्सीलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, एक्सीलरेशन एक कांस्टेंट दे रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो हर टाइम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर देगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, उसका कोई फंक्शन नहीं बनेगा, ठीक है। अगर फंक्शन बन जाए तो मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, और फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है। तो ये टर्म है, ये तीनों इक्वेशन तभी आएंगी, तभी मानेंगे, तभी अपनी निकलेगी क्या होगी, तभी डिराइव होगी, जब बॉडी क्या हो, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड हो। ये उस एक केस में लगती है, कब, व्हेन बॉडी इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड। 9th क्लास की बुक लाना, बुक देख लेना, उसके अंदर आपको मिलेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर पहला पॉइंट है व्हेन बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, उसके अंदर ये तीन इक्वेशन निकाली है। उसके अलावा कोई केस ले लो, ये तीन इक्वेशन नहीं निकलेगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन पूछे तो ये एक केस में सही है, जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, और ये दीज थ्री इक्वेशन आर ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज करेक्ट, हमेशा करेक्ट होगी हर पॉइंट पे, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी अपनी, ये तीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड वन, बहुत ज़्यादा यूज होगी, ठीक है। तो ये था अपना इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना,
इंटीग्रेशन। अब देखो आगे कुछ ग्राफ्स पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। उससे पहले 5 वीडियो लेक्चर बन चुके हैं जिसके अंदर सेकंड एंड फोर्थ जो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन है वो एक बार मैथ की बुक उठा लेना या फिजिक्स की बुक उठाना, उसके अंदर एग्जांपल करना, तब ये समझ में आएगा कि अपन जो ये लिमिट रख रहे हैं, जो वैल्यूज रख रहे हैं वो आ कहाँ से रही है। वैसे लेक्चर में भी है, बुक भी अटेंड करना, बुक भी अटेम्प्ट करना, उसके अंदर न्यूमेरिकल करना और वैल्यू निकालना। आज का जो टॉपिक था लेक्चर था बिल्कुल सिंपल था, पर आएगा उससे, ठीक है।